Thank you so much. Thank you. ये मेरे लिए कुछ नया सीखने का मौका था. एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, और मुझे लगा कि रेसिपीज़ के बारे में या अपने कल्चर के बारे में या फेस्टिवल्स के बारे में, पूरे देश में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं और एक ही जगह पे मैं उन सब के बारे में सीख सकती हूँ. सो आई थॉट कि दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई जस्ट ग्रैब्ड एट इट. मुझे बताया भी गया था, इसलिए हाँ मैं कर रही हूँ बिकॉज अभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं वो काम करना चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल. एंड आई थॉट कि आई रियली वॉन्टेड टू लर्न दीज न्यू रेसिपीज एंड सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स. अभी मैंने बना डाला मखाने की खीर और मखाने की बर्फी, और शो में भी बनाई मैंने. एंड बिल्कुल मुझे ना आई फील लाइक अ चाइल्ड, यू नो, कि जो नया नया कुछ सीखता है और फिर उसको एक्साइटमेंट होता है ना कि अरे ये हो गया, अरे ये तो वैसे ही लग रहा है जैसे लगना चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी जो मैंने सिर्फ जो शॉप्स में देखी थी, मावा कचौड़ी, ढोकला, दाल बाटी, जो देख के लगता था कि हाँ भाई, मतलब किसी एक्सपर्ट ने बना डाला है इन्हें, आप खा लो चुपचाप. लेकिन उनको बना पाना मेरे लिए ना इट वॉज़ लाइक अ बिग अचीवमेंट. जब मैंने शुरू में उन्हें खाने की फ़ोटो भेजनी शुरू की ना, मैं शो में भी मैं उनको हर खाने की फ़ोटो भेजती हूँ जो रेसिपी बनाती हूँ, उसके बाद मैं वो फ़ोटो खींच के मॉम को भेजती हूँ. तो पहले तो उन्हें लगा कि मैंने बनवा लिया है किसी से और मैं फ़ोटो खींच के भेज रही हूँ. बट फिर मैंने जब उनके साथ रेसिपीज़ शेयर करना शुरू किया, आई स्टार्टेड टेलिंग हर कि मम्मा आज मैंने ये बनाया, तो मम्मी ने मुझे चेक करना शुरू किया कि बता कैसे बनाते हैं. तो फिर मैंने उनको वो बताना शुरू किया, तो उनको विश्वास हुआ थोड़ा. मैंने उनके साथ वीडियो कॉल की कि मम्मा देखो ये मैं बना रही हूँ, तो फिर उनको ये हुआ कि हाँ तू सच में बना रही है. मुझे लगता है कि हमने बहुत सी बातें की हैं जहाँ पे हम बेटियों को किस तरह से उनकी सुरक्षा करनी है या क्या उनके उनके लिए होना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए, ऐसे हमने बहुत सी कोशिशें की हैं. लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ साथ हम अपने बेटों को सिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे चूक हो रही है, कहीं ना कहीं वो जिस मेंटालिटी से घर से बाहर निकल रहे हैं दैट इज़ नॉट करेक्ट, और समवेयर उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है. और बहुत हद तक इसकी जिम्मेदारी हर इकाई, जो परिवार की जो इकाई है उसको जाती है. सरकार डेफिनेटली, लॉ डेफिनेटली, ये उनकी जिम्मेदारी है. लेकिन जो सोच है उसे हम ही बदल सकते हैं, और उस सोच को बदलने की ज़रूरत है.